माय डियर फ्रेंड, आप देख रहा है हमारा जो वीडियो पर मैं जो दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये देखो, फॉर ब्रेन, देखो सिटीकोलिन सोडियम टैबलेट जिसका ब्रांड नेम है सिटीरिस टैबलेट, ये एक्चुअली CNS फॉर ब्रेन के लिए, ये मेमोरी इन्हेंसमेंट के लिए, जिसका मेमोरी कमजोर है, एज ए ब्रेन टॉनिक बोल सकता है। सो दोस्तों, इस ब्रेन टॉनिक ब्रेन स्टिमुलेंट टैबलेट है, ब्रेन स्टिमुलेंट। ये देखो, ब्रेन फॉर ब्रेन मेमोरी इन्हेंसमेंट, ब्रेन भी देखा दिया, ब्रेन में कैसे काम करता है, CNS को कैसे काम करता है, CNS के ऊपर कैसे काम करता है, ये मैं इस वीडियो का लास्ट में डिटेल्स में दे दूंगा। लेकिन ये ब्रेन स्टिमुलेंट का हिसाब से आप यूज कर सकता है डेली एक्स, जिसका ब्रेन कमजोर है, ब्रेन सर्कुलेशन, ब्रेन ऑक्सीजन कम पहुँचता, सप्लाई कम होता है, कम बुद्धि का लोग होता है, तो ब्रेन स्टिमुलेंट के लिए डेली एक टैबलेट आप ले सकता है, कोई भी कहीं भी रहे। ब्रेन जिसका मतलब कोई डिजीज में बोलता हो, वे अल्जाइमर डिजीज के लिए भी यह यूज होता है, ग्लूकोमा के लिए यूज होता है, जिसका ग्लूकोमा होता है आँख में, ठीक है। सो दोस्तों, ये स्ट्रोक, जिसका स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक, हेड इंजरी, जिसका हेड इंजरी का बजाय कुछ भूल जाता है, कोई गुमसुम रहता है, ठीक है, हेड इंजरी का कारण, हेड इंजरी डिजीज, और पार्किंसन डिजीज, ये है पार्किंसन मतलब नर्व सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं, पार्किंसन डिजीज, हाथ लिखने के लिए जाता है कांपता है, बात करने के लिए जाता है कांपता है। सो दोस्तों, ये एज ए ब्रेन को ये अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, और ये कम से कम आप जानो जे सिटीकोलिन सोडियम टैबलेट, ये नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, ब्रेन स्टिमुलेंट, ब्रेन नॉर्मल ब्रेन कर देता है, जो ब्रेन को टॉनिक हिसाब यूज करता है, ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाता है, ब्रेन को नॉर्मल कंडीशन में रखता है। ये जो जैसे अल्जाइमर डिजीज नहीं होगा, जैसे पार्किंसन को नहीं होगा, पार्किंसन माने जो हाथ नर्व का कपना, हाथ कपना, लिखने के लिए कपना, वॉकिंग करने से कपना, ज़्यादातर एजेड में भी हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है। ये सो तो मंद बुद्धि, जिसका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, जो सुस्त रहते, ब्रेन स्टिमुलेंट आपका जरूरत है, ब्रेन को एक्टिव ब्रेन चाहिए, तो आप इसको डेली एक टेबलेट कम से कम 15 to 1 month आप खाना है। फिर एज ही ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी ये कुछ बीमारी में ब्रेन स्ट्रोक में देता है, दे सकता है, हेड इंजरी के लिए देना है, अल्जाइमर डिजीज के लिए देना है, पार्किंसन डिजीज के लिए, ऐसे कि आप ग्लूकोमा होता है आँख में, उसको भी ये नॉर्मल करते हैं कंडीशन में, जो भी एबनॉर्मल है वो एबनॉर्मल ब्रेन के लिए ये सबसे बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही जितना डायग्नोसिस, जितना ट्रीटमेंट के लिए बोला वो भी ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का लास्ट में मैं लिख के देता हूँ, वो थोड़ा पढ़िएगा। धन्यवाद, थैंक यू।